नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कुकल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गोटा पत्ती से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, तो देखते ही रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने कैसे 5 ही मिनट में इतना सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर रेडी कर दिया है, और आप भी अपने जब भी सूट सिलिएगा तो डिज़ाइन को बनाइएगा ज़रूर। तो आइए चलते हैं प्रोसेस की साइड। ये देखिए, मैंने ना एक बुकरम का 40 इंच की ही पट्टी ले रखी है, 12 ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने पट्टी ली है ना, ये है मेरी 2.5 से 3 इंच। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 3 इंच का पट्टी ली है। और ये देखिए, क्योंकि जितनी हमारी आगे की गोलाई होती है उतना तो मैक्सिमम हमें लेना ही पड़ता है। और मैं बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, तो बनाइएगा ज़रूर और अपने ड्रेस को बहुत ही सुंदर बनाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है। तो अब ये नई नई वीडियोस डिज़ाइन की आप लोगों के साथ आने वाली हैं, तो देखिएगा और बनाइएगा। तो ये मैंने ना जो ये कपड़ा मैं काट रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा एक एक पैर की सिलाई ज़्यादा काट लूँगी, ताकि इसे हमें फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे कपड़े में ना ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कैसे क्या करेंगे। ये देखिए, और छोटे छोटे में ये जो मुझे 2-3 जोड़ लगाने पड़ी हैं तो मैं लगा दूंगी। और मेरे पास ना मैचिंग का कपड़ा भी नहीं मिल रहा था, मैंने ये कपड़ा ले रखा है। मेरे पास चंदेरी का ये कपड़ा था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया था सूट के साथ, तो इसीलिए मैंने यही लगा दिया। कपड़े को मैंने डबल करके लगाया है, ये देखिए कपड़े को मैंने ये डबल कर दिया है, और इतना सुंदर सा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो देखते रहिए और बनी रहिए क्रिएटिव लाइफ विद कोकल में। और मैं अब इसे इसके ऊपर लगा देती हूँ। मेरे पास प्लास्टिक नहीं थी, वरना मैं प्रेस से इसे चिपका देती। अब मैं इसे बुकरम से ही, कोई वैसे बात नहीं है, बुकरम पे भी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन कर रेडी हो जाते हैं। पेस्टिंग पे तो सभी बनाती हैं, तो आप बुकरम पे बनाकर देखिएगा कि कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। दोनों पट्टियों को मैं ऐसे ही लगाकर और बिल्कुल रेडी कर दूंगी इनको। जब भी हम काम करने लगते हैं तो कोई भी काम हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, तो आप भी कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि दिन बहुत बड़े हो गए हैं और छोटे मोटे घर के काम सभी को ही करने चाहिए। तो आप भी अगर मेरे जैसे बिगनर्स हैं, और मैं इसीलिए ऐसी बिल्कुल इजी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। देखिए, मैं ये मैंने ना गोटा पत्ती अपनी इस बाबिन में लपेट लिया है। और हाँ, ये वीडियो मैं शेयर करना भूल गई कि मैंने ना डब्बी को आगे से खोल लिया था, पेचकस से मैंने इसे खोल कर इसे लूज़ कर लिया था, और उसमें मैंने ये भर दिया है। तो यहाँ पर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ दोबारा से, ताकि क्योंकि ये जो मैंने सिलाई लगाई थी ना, उससे बहुत मोटा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे काट दिया। देखिए, मैंने डब्बी में से धागा निकाल लिया है बाहर की साइड, और बस मैं एक एक पैर की ऐसे ही सिलाई चलाती जाऊंगी और इसे दोनों बाजू को कंप्लीट कर लूँगी। बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। आप इसे सीढ़ी साइड साइड भी लगा सकते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा बार बार गोटा पत्ती को काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि हमें बिल्कुल फटाफट से लगा देते हैं। और जो हम गोटा पत्ती लगाते हैं ना, वो थोड़ा कहीं कहीं से ना गड़बड़ भी हो जाती है, और लेकिन जब हम डब्बी में भर के लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। देखिए, ये मैंने आप लोगों के साथ दिखाया, ऐसे ही मैं ना पूरी बाजू को बनाकर रेडी कर दूंगी। ये देखिए, अभी मैंने धागा उसे मैंने कर लिया है और धागा लगा दिया है, ताकि मेरा वो डब्बी लूज़ थी तो मैंने उसे टाइट कर लिया है अपने धागे
के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे बाजू पर लगा देती हूँ, देखिए उस। और इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारे पास ना जो बाजू का कपड़ा होता है वो हमें ना आगे की साइड निकालना होता है। ये देखिए अब मैं इसे बिल्कुल सिरे के साथ फोल्ड कर दूंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाइट कपड़ा बिल्कुल भी आगे से ना दिखे। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। ऊपर से हम दूसरी लेस लगा देते हैं और बना देते हैं ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। और बनाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से हमारा वो मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और हाँ आपको तो पता ही है ना कि लाइक शेयर करने से वीडियो का कोई पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए कुछ भी नहीं लगता आप लोगों का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।